एक तरफ कोरोना महामारी संक्रमण के चलते प्रदेश में सभी कारोबार बंद हैं, दूसरी तरफ लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए कोई ना कोई साधन ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लॉकडाउन का मछली उद्योग पर भी काफ़ी बड़ा असर पड़ा है, किंतु हाल ही में सरकार द्वारा पाबंदी हटाए जाने के बाद अब लोग कारोबार करने की तरफ बढ़ रहे हैं। किंतु किसी व्यक्ति को मछली पकड़ना कितना महंगा पड़ सकता है यह तो उसका परिवार ही बता सकता है, जिसका सदस्य मछली पकड़ते हुए गोविंद सागर झील में डूब गया। जी हाँ, जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि राजू उर्फ राजकुमार, अमर सिंह डाकर मलराव तहसील झंडुत्ता का रहने वाला, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, जो 13 तारीख को 6:30 बजे जाल लगाने का काम करता था और गोविंद सागर में आंधी तूफान में फंसने के कारण उसका पैर फिसल गया और बोट से गिर गया और गोविंद सागर झील में गिरने के बाद डूब गया। इसकी सूचना मिलते ही कल पुलिस वहां पर पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोगों की सहायता से उसको ढूंढने का प्रयास किया गया, किंतु उसकी लाश नहीं मिली, जिसको देखते हुए पुलिस ने गोताखोर टीम को बुलाया था और आज पूरा दिन उसका सर्च अभियान चला, किंतु दुख की बात यह है कि यह व्यक्ति की लाश अभी तक भी नहीं मिली है। पुलिस के अनुसार 300 से 400 मीटर एरिए में पूरे ढूंढा गया है, किंतु राजकुमार की लाश कहीं भी प्राप्त नहीं हुई है। अभी इसे कल दोबारा ढूंढने का प्रयास पुलिस द्वारा बताया गया है कि किया जाएगा, लेकिन बड़ा हादसा शाहतलाई में गोविंद सागर झील में हुआ है, जहां पर एक 35 वर्षीय युवक पैर फिसलने से झील में गिर गया। यहां पर SHO शाहतलाई और DSP झंडुत्ता ने पूर्ण जानकारी दी। मैं जिला पार्षद श्रीमती बीना चंदेल, वार्ड नंबर 7 जोगनी गाँव में, मेरे गांव में जो हादसा हुआ है 13/5/2020 को, राजकुमार जी सन ऑफ अमर सिंह जी, और जो कि झील में उनको हमने जो है काफ़ी कोशिश की, और हमारे थाना तलाई से हमारा जो 13 से ही जब से ही ये कांड हुआ है उसी से ही पुलिस की सहायता हमें मिल रही है। मैं पुलिस वालों का धन्यवाद करती हूँ, इन्होंने जो है अपने स्टाफ गोताखोरी को भी बुलाया था, जो कि यहाँ पर आज दिनांक 15/5/2020 को सुबह से 9:30 बजे से आए हुए हैं। इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस गाँव गौरी झील में उपस्थित हुए। 9:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक इन्होंने जो अपना समय दिया, मैं इनके लिए इनका आभार व्यक्त करूंगी। लेकिन इसके बीच में इन्होंने कितनी बार जो है कोशिश की पर कोशिश नाकाम रही, ये मैं चलो अपनी तरफ से इनका धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने जो है पूरा समय दिया 4-5 घंटे का, जबकि ये अपने समय से भी बढ़ चढ़ कर जो है हमें समय दिया, और इन्होंने काफ़ी कोशिश करने के बावजूद जो है डेड बॉडी हमें नहीं हासिल हुई। पर चलो हमारी कोशिश जारी रहेगी कि हम इस डेड बॉडी को हासिल करेंगे, इसको ढूंढेंगे, और मैं सातलाई थाना वालों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ SHO साहब, इन्होंने रात दिन एक करके आज 3 दिन से भूखे प्यासे हमारे साथ इस झील में खड़े हुए हैं। मैं ज़्यादा ना कहती हुई इन सब का धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल। मैं सब्जेक्टर राम कुमार, SHO परिसर SHO तलाई, यहाँ गागुड़ी में एक व्यक्ति राजकुमार, जिसकी उम्र 35 साल की, वो 13 तारीख को 6:30 बजे झील में बह गया था जी, मछली पकड़ने का काम करता है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें रात को 7:30 बजे मिली थी। पिछले कल भी हमने गाँव वासियों के सहयोग से यहाँ झील में उसको तलाशने की कोशिश की, जो नहीं उसकी डेड बॉडी हासिल हुई। आज गोताखोर सुंदरनगर से बुलाए गए थे, आज भी हमने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन अभी तक डेड बॉडी हासिल नहीं हुई है, और जैसे ही डेड बॉडी हासिल होती है इसका पोस्टमार्टम करा के कानूनी कार्रवाई जो भी
मैं महुनाग डाइविंग एसोसिएशन सुंदर नगर का प्रेजिडेंट हुई। यहाँ हमारे थे बुलाए गए थे प्रशासन के द्वारा। हमने यहाँ सुबह से 9:30 बजे से सर्च अभियान चलाया, पर यहाँ हमें कामयाबी नहीं मिली है। हमने अंदर तक देखा, पूरा एरिया सर्च किया हमने, ऊपर से नीचे तक 300-400 मीटर तक के भी एरिया हमने बार बार देखा, पर हमने डेड बॉडी प्राप्त नहीं की। धन्यवाद। दिनांक 13/5/2020 को थाना सातराई में सूचना मिली थी कि लगभग रात के टाइम सूचना मिली थी कि गारगुड़ी का राजकुमार है वो बोट से गिर के इस पानी में गिर गया है। तो जिसके लिए उसके अगले दिन भी कोशिश की गई, लोकल लोगों ने भी काफ़ी मदद की उसको देखने के लिए किश्तियों से, पर अभी वो ट्रेस आउट नहीं हुआ। उसके बाद ड्राइवर भी मंगाए गए, जो सुंदरनगर से 5 ड्राइवर आए हैं, उन्होंने भी आज काफ़ी कोशिश की है, नीचे तक देख लिया है। तो इसमें अभी पानी बहाव है और कुछ गंदा पानी है, इसमें प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है। तो हम और कोशिश करेंगे कि अगले दिन भी एक ट्राई आउट कर लेते हैं उसमें, तो ड्राइवर्स हम अगले दिन भी इसमें लगाएंगे ताकि हमें।